हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी निटिंग क्लासें हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत आसान सा बुनाई डिज़ाइन है, इसको बिगनर्स बहुत आसानी से बना सकते हैं। और जितना आसान है ना, उतना ही देखने में खूबसूरत है। जितना ट्रिकी देखने में लगता है ना, लेकिन बनाने में बहुत आसान है। और एकदम से 3D टाइप से आता है इसका लुक बनने के बाद। उभार जैसे उभरे हुए डिज़ाइंस होते हैं ना, उस तरह से छोटे छोटे बबल टाइप से इसका बूंदों जैसा डिज़ाइन आता है बनके। बहुत प्यारा डिज़ाइन है। लास्ट में मैं आपको फुल सैंपल भी दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए आपको 2 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं, यानी कि 2 के जोड़े में, 2 के गुने में ही ये डिज़ाइन चलता है। प्लस एक फंदा आप इसमें एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, ठीक है। 2 के गुने में फंदे लेके एक फंदा एक्स्ट्रा रखिएगा। और 4 सिलाइयों का ये बुनाई डिज़ाइन है। चारों सिलाइयाँ बहुत ध्यान से देखिएगा, एक भी सिलाई स्किप मत कीजिएगा। और फर्स्ट रो जो है रॉन्ग साइड से आपकी स्टार्ट होगी, उल्टी तरफ से, तब ये सीधी तरफ डिज़ाइन बनकर आएगा। जब आप उल्टी तरफ से इसे बनाएंगे तो ये डिज़ाइन सीधी तरफ से बनेगा, जब आप सीधी तरफ से इसे स्टार्ट करेंगे तो ये डिज़ाइन उल्टी तरफ आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे अपने देखिए जस्ट फंदे डाल के उल्टी साइड आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना पहला फंदा इस तरह से बुनूंगी, उसके बाद यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा फंदा हम ऐसे स्लिप कर लेंगे और इसके ऊपर से ऐसे धागा घुमा देंगे। फिर अगला फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे और ऐसे धागा घुमा देंगे। ये जैसे 2 फंदे मैंने बनाए ना, यही रिपीट करते हुए जाएंगे पूरी रो में। अब देखिए, एक फंदा उल्टा बनाया, दूसरे फंदे के ऊपर से ऐसे आपने धागा घुमा दिया और स्लिप कर लिया। एक फंदा उल्टा बनाया, दूसरा फंदा आपने देखिए ऐसे स्लिप कर लिया, बुना नहीं लेकिन धागा घुमा दिया। एक फंदा आपने उल्टा बनाया, एज स्टिच को आप उल्टा ही बनाएंगे क्योंकि आप उल्टी साइड से हैं। ये देखिए पैटर्न की फर्स्ट रो हमने बना के कंप्लीट कर ली। अब सेकंड रो पे आ गए, तो यहाँ पे देखिए पहली दूसरी सिलाई पे एज स्टिच में जो है सीधा बुनती हूँ पहले। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये जो फंदा आपको सीधा दिख रहा है ना, धागा अपनी तरफ करके लाएंगे, इसको उल्टा बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो एक फंदे से 2 फंदा हमने बनाया, इन दोनों को एक साथ लेके ऐसे स्लिप करेंगे, एक बार फिर से इनके ऊपर धागा घुमाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 2 फंदे से ये 3 फंदे हो गए। बस यही हम बार बार रिपीट करेंगे। एक फंदा आप उल्टा बनाएंगे और ये 2 फंदे आप एक साथ लेके देखिए ये रहे, और ऐसे स्लिप कर लेंगे। फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे और देखिए 2 फंदे हैं, इनको ऐसे स्लिप कर लेंगे, ये धागा घुमा लेंगे। फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर देखिए इनको स्लिप कर लेंगे और ऐसे धागा घुमाएंगे। फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे ले जाके एज स्टिच को आप सीधा बनाएंगे क्योंकि हम सीधी साइड है। देखिए 2 सिलाइयाँ बना के हमने कंप्लीट कर ली। अब हम आ गए अपनी 3rd रो पे जो कि रॉन्ग साइड से है। तो यहाँ देखिए पहला फंदा इस तरह से हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद देखिए ये जो सीधा फंदा दिख रहा है इस पर हम उल्टा फंदा बनाएंगे। अब धागा पीछे ले जाएंगे, डिज़ाइन चेंज हुआ इस बार। ये जो 3 फंदे हमने बनाए हैं, 1 फंदे से 3, इन तीनों को ऐसे करके फ्रंट लूप से इस तरह से 3 का 1 करते हुए सीधा बना देंगे। तो यहाँ देखिए एक फंदा उल्टा, एक सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जो एक फंदा है सिंगल उसे उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे। फिर ये देखिए 3 फंदे आ गए, इन्हें इस तरह से हम सीधा बना देंगे तीनों को एक साथ। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये देखिए 3 फंदे, इन तीनों को एक साथ उल्टा बना देंगे इस तरह से। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इन तीनों को एक साथ बना देंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, अब एज स्टिच को भी हम उल्टा बना लेंगे। तो देखिए ये हमारी 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब हम आ गए अपनी 4th रो पे। पहला फंदा देखिए स्लिप कर लेंगे, इसके बाद ये नेक्स्ट फंदा हमें सीधा दिख रहा है ना, इसको हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। ये फंदा हमें उल्टा दिख रहा है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे जाएगा, एक फंदा सीधा आएगा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, और सीधी तरफ है तो एज स्टिच को भी हम सीधा ही बनाएंगे।
तो देखिए ये जो चार सिलाइयां मैंने आपको बताई है ना, आप यही बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे, बहुत प्यारा डिजाइन बन के आएगा। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी, पहली सिलाई स्लिप करेंगे, पहला फंदा एक फंदा उल्टा, और देखिए यहाँ पे इसको स्लिप करके धागा चढ़ा घुमा लेंगे, एक फंदा उल्टा इस तरह से यहाँ पे धागा घुमा लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर इसको स्लिप करके ऐसे धागा घुमा लेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर इसको स्लिप करके धागा घुमा लेंगे, एक फंदा उल्टा, एज स्टिच भी उल्टा। ठीक है, इस बार हम थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे। अब हम आ गए अपनी सेकेंड रो पे, तो पहला फंदा देखिए स्लिप करके धागा लाएंगे अपनी तरफ और एक फंदा बनाएंगे हम उल्टा। इसके बाद देखिए ये जो दो फंदे हैं ना, इनको स्लिप कर लेंगे और ऐसे धागा घुमा लेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर इन दोनों को स्लिप करेंगे धागा घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर देखिए इन दोनों को स्लिप करके ऐसे धागा घुमाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर देखिए ऐसे घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा, एज स्टिच को सीधा बना लेंगे ऐसे। अब हम आ गए अपनी थर्ड रो पे, पहला फंदा देखिए स्लिप करके एक फंदा हम बनाएंगे उल्टा, धागा पीछे। अब देखिए ये एक फंदे से हमने तीन फंदे बनाए, इन तीनों से हम एक फंदा फिर से सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये तीन फंदों का एक कर लेंगे, सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, देखिए तीन फंदे जो हैं इनको एक कर देंगे सीधा बनाते हुए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, तीन फंदों का एक कर देंगे सीधा बनाते हुए, एक फंदा उल्टा और रॉन्ग साइड है, एक फंदा एज स्टिच का उल्टा बनाएंगे। अब देखिए अब हम आ गए अपनी फ्रंट साइड पे रो नंबर फोर, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट फंदा देखिए यहाँ पे सीधा है, इसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। इसी तरह से बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा दूसरा चैनल है मेकअप वाला विजिट नहीं किया तो जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर मैं DIY स्किन केयर हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोज बनाती हूँ और काफ़ी सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स भी मैंने वहाँ पे बताए हुए हैं, तो एक बार जाके देखिए। जिस तरह से आपने मुझे इस चैनल पे अपना प्यार सपोर्ट दिया है, वैसे ही मुझे उस चैनल पे भी अपना प्यार सपोर्ट दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये चार सिलाइयाँ हम बार बार बनाते हुए गए तो ये डिज़ाइन इस तरह से बन के आया। जब आपने ज़्यादा फंदों पर इसे बनाएंगे तो ये देखिए इस तरह से बहुत सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनकर आएगा। मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, देखिए बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा। फ्रंट साइड इसकी ये है और रॉन्ग साइड से देखिए इस तरह से दिखाई देता है, रॉन्ग साइड से भी ये बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। आप इस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, बच्चों के, बड़ों के, जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, स्कार्फ, मफलर, ब्लैंकेट, जैकेट, कैप, कहीं भी यूज कीजिए, बहुत खूबसूरत बन के आएगा। और आप इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ इंस्टा पर भी शेयर कर सकते हो, मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, इंस्टा पर फॉलो कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी लोगों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, बेल बटन ऑल पर प्रेस करना कतई ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मेरे चैनल पे आता रहता है और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।